हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन क्रोस। आज हम गरारा कटिंग का तरीका सीखेंगे। दोस्तों, गरारे कई तरीके से कटिंग होते हैं, जैसे लिफाफा गरारा, प्लाजो गरारा, कलियों वाला गरारा, फरारा। लेकिन आज हम लिफाफा गरारे की कटिंग करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका नाप मेजरमेंट इस तरह से है, लंबाई लेंथ 38 इंच 38 इंच, कमर 33 33 इंच और इसका हिप 40 40 इंच है। तो जो गरारा है उसकी फुल लेंथ 38 इंच है। इसकी लेंथ को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये मेरे पास कपड़ा 2.5 मीटर कपड़ा है और इसको मैंने चार तह लगा रखे हैं इस कपड़े की। ये देखिए, चार तह मैंने कपड़े की लगा रखी है। इसके ऊपर से हम सबसे पहले इसका लिफाफा निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी फुल लेंथ 38 इंच है। तो इसका जो ऊपर लिफाफे का जो हम लेंथ लेंगे वो मैं 18 इंच लूंगी और नीचे के जो घेरे का लेंथ लूंगी मैं इसकी 20 इंच लूंगी। तो ऊपर से हम 18 इंच का इसकी जो है लेंथ है और इसमें 2 इंच जो है लास्टिक का मैं प्लस करती हूँ, तो ये मेरा ऊपर की लेंथ भी पूरी टोटल 20 इंच हो जाती है। तो यहाँ पर हम 20 इंच पे मार्क कर लेते हैं और यहाँ भी हम 20 इंच पे मार्क कर लेते हैं और फिर हम इसका नीचे का भी लेंथ इसका मेजरमेंट देख लेते हैं कि ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। फुल 20 इंच ये हमारा 22 इंच आ रहा है, तो इसकी लेंथ हमारी सही हो जाएगी। तो हम इसको 20 इंच पे मार्क करके लिफाफा कटिंग करते हैं। इसका जो मेजरमेंट है लिफाफे का हम हिप के अकॉर्डिंग रखेंगे और लिफाफा जो होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। लिफाफा मतलब आप जानते हैं लिफाफे का मीनिंग क्या होता है, और लिफाफा बिल्कुल सीधा होता है। तो नो शेप, कोई शेप नहीं, बिल्कुल सीधा नीचे कटिंग होगी इसकी। तो हमारा जो हिप था वो 40 इंच था, 40 में हम 4 को प्लस कर देते हैं तो 44 हो जाता है और 44 पे हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 44 को हम 4 से डिवाइड करने के बाद तो 44 को हम 4 से डिवाइड करने के बाद मेजरमेंट इसका जो आता है वो हमारा 10 साढ़े मतलब पौने 11 इंच के करीब आता है। 11 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। 11 इंच पे हमने मार्क कर लिया और यहाँ भी हम 11 इंच पे मार्क कर लेते हैं और एक इसकी सीधी ऊपर से लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन खींच देते। ऊपर से 2 इंच हमारा लास्टिक के लिए पड़ेगा, ये 2 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। देखिए, हमने 2 इंच पे मार्क कर लिया और यहां से भी हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद ये एक वर्टिकल साइज में लंबा सा बॉक्स बन जाता है। और इस पे फिर हम 2.25 इंच पे एक मार्क लगाएंगे इस तरफ, और ऊपर से जो हम इसका आसन रखेंगे तो हम इसका आसन 2 इंच नेफे के गए और
तो 12 इंच पे रखेंगे तो दो इसका 14 इंच पे हम आसन का निशान लगा देंगे। 40 इंच हिप के अकॉर्डिंग 14 इंच आसन का निशान विद नेफा, वही मार्क लगाते हैं यहाँ पर, 2.25 इंच पे मार्क लगाते हैं। ये देखिए, ये मैंने मार्क लगा दिया है और ये शेप देते हुए, ये गोलाई से शेप देते हुए इस तरह। और यहाँ भी हम हल्का सा शेप दे देंगे नीचे, 1/2 इंच के करीब हल्का सा हम शेप इस तरीके से दे देते हैं। ये हमारा लिफाफे का, ये पूरा हमारा लिफाफे का निशान लग गया है, आप देख सकते हैं। और इस ये देखिए दोस्तों, हमारे लिफाफे की कटिंग हो चुकी है। जब हम प्लाजो गरारा बनाते हैं तो उसकी कटिंग में शेप दिया जाता है, उसकी कटिंग इस साइड से भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये साइड बंद है। ये देखिए दोस्तों, ये साइड बंद है, सिर्फ हमने यहाँ से शेप दिया है। तो अब चलिए इसके घेरे की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अब हम इसके घेरे की कटिंग कर लेते हैं। इसके घेरे की जो मेजरमेंट है वो, क्योंकि 2.5 मीटर कपड़ा था तो 2.5 मीटर कपड़े के अकॉर्डिंग जो है इसके जो मेजरमेंट है वो 23 इंच आ रही है। इसकी जो घेरा है तो इसका जो घेरा, इसका गरारे का घेरा दोस्तों, ये हमारा नीचे का घेरा है, ये हमें 20 इंच लेना था लेकिन ये हमारा 21.5 इंच है, क्योंकि 1.5 इंच हम नीचे से मोड़ देंगे तो हम इसको, इसकी जो पूरी लेंथ है वो हम पूरी लेंथ ले लेते हैं। और जो गरारे हैं वो 5 मीटर के भी होते हैं, 8 मीटर के भी होते हैं, वो आपकी विश पे डिपेंड करता है आप कितने घेरे के गरारे रखें। लेकिन ये मैं 2.5 मीटर में बना रही हूँ, सबसे कम, कम से कम कपड़ा 2.5 मीटर होना चाहिए। मैं यहाँ पर 21 इंच पर निशान लगा देती हूँ, 21 इंच पर इसकी लेंथ का निशान पूरे घेरे पर लगाते हैं। और सीधा निशान मेरे घेरे पे लगा दिया है और इसको हम सीधा एक लाइन खींचते हैं इस पे, और इसी लाइन पे हम कटिंग कर देते हैं। ये दोस्तों, ये देखिए, ये नीचे का प्लेट्स हो गई, ये इस तरह से आप चाहें तो इस पे गैदरिंग वाला भी कर सकते हैं, धागा सी के जो होती है, और आप चाहें तो इस पे इस तरीके से प्लेट्स भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे प्लेट्स भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही कंफर्टेबल गरारा है, लिफाफा गरारा। गर्मियों में इसमें बहुत आराम मिलता है, लाइट कलर है, लाइट कपड़ा है और बेहतरीन ब्यूटीफुल लुक है। दोस्तों आज हमने गरारे कटिंग का तरीका सीखा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें अगर आपको नए नए वीडियो और देखने हैं। और आज हम आते हैं अपने सीक्रेट टिप पर। तो फ्रेंड्स, इसका सीक्रेट टिप ये है कि जो प्लेट्स पड़ेंगी गरारे की वो अंदर की तरफ ही डलेंगी, हमेशा प्लेट्स अंदर की तरफ ही डालें ताकि ये गरारा पहनकर आप कंफर्टेबल महसूस कर सकें। अगर आपने ये प्लेट्स बाहर की तरफ डाली तो आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।